हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आपका सीबीएसई दोस्त संजय परमार। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सर्कुलर नंबर 84 जो अभी अभी रिलीज हुआ है। तो क्या इसमें बताया गया है उसके बारे में बात करेंगे। तो सर्कुलर का सब्जेक्ट कुछ इस प्रकार से है, मल्टीलिंगुअल एजुकेशन एंड यूजिंग मदर टंग एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। तो मदर टंग को यूज करना एज ए मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। हमारे इंग्लिश मीडियम स्कूल होता है, कुछ अलग अलग मीडियम के स्कूल्स है। तो सीबीएसई और एनईपी की अगर बात करेंगे तो एनईपी में एक स्पेशल चीज बताई गई है कि भाई फाउंडेशन स्टेज एटलीस्ट यहाँ पे इस लैंग्वेज में होना चाहिए, मदर टंग में होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं इसके अंतर्गत क्या क्या चीजें यहाँ पे इम्प्लीमेंट होने वाली है, क्या क्या तैयारियां कर रहा है सीबीएसई, एनसीईआरटी और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। तो सबके बारे में इस सर्कुलर में बताया है, तो वही हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि क्या क्या रहेगा इस वीडियो में। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन बताएंगे हम, उसके बाद चैलेंजेस क्या क्या है, वो मेजर्स टेकन बाय एमओई क्या क्या कर रहा है, टेक्स्ट बुक इंडियन लैंग्वेज इसमें किस तरीके से क्या क्या आएंगे, और लास्ट में रहेगा क्लोजिंग में कैसे। सबसे पहले बात करते हैं कि मल्टीलिंगुअल एजुकेशन ये है क्या। तो मल्टीलिंगुअल एजुकेशन वाइडली रिकॉग्नाइज एज ए वैल्यूएबल अप्रोच। तो मल्टीलिंगुअल एजुकेशन का मतलब होता है कि मल्टी लैंग्वेज में अलग अलग प्रकार की लैंग्वेज जो होती है, जो मतलब ज्यादा बोली जाती है, वैसे लैंग्वेज के अंदर एजुकेशन प्रोवाइड करना, और ये अप्रोच जो है इसको अच्छा माना गया है और वैल्यूएबल माना गया है। टू फोस्टरिंग लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी, कल्चरल अंडरस्टैंडिंग एंड एकेडेमिक सक्सेस अमंग स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स के अंदर अगर ये चीजें चाहिए तो लिंग्विस्टिक अप्रोच यहाँ पे काफी इम्पोर्टेंट रहेगा, क्योंकि जैसे भी स्टूडेंट जाएंगे तो रिलोकेट होते हैं हम लोग, और एक से दूसरे प्रदेश में जाते तो कहीं कहीं लैंग्वेज का कुछ बैरियर आ जाता है। ये कम्युनिकेशन का बहुत ही बड़ा बैरियर है लैंग्वेज वाला, तो वो ना हो इसलिए ये एजुकेशन यहाँ पे अच्छा रहेगा। एनईपी 2020 पैरा 4.12 एम्फेसाइजेस द सिग्निफिकेंट कॉग्निटिव एडवांटेजेस ऑफ मल्टीलिंगुअलिज्म फॉर यंग लर्नर्स। तो इसमें यहाँ पे बताया गया है, ये एनईपी पैराग्राफ 4.12 में, एक्सपोज टू मल्टीपल लैंग्वेजेस फ्रॉम फाउंडेशन स्टेज विद अ स्पेसिफिक फोकस ऑन देयर मदर टंग। तो मदर टंग पे स्पेसिफिक फोकस दिया जाए, ऐसे फाउंडेशन स्टेज से ही स्टूडेंट्स को तैयार किया जाएगा। पॉलिसी स्ट्रांगली एडवोकेट्स फॉर यूटिलाइजिंग द होम लैंग्वेज। तो होम लैंग्वेज जो घर का लैंग्वेज है उसको यूटिलाइज करने के लिए ज्यादा फोकस दिया गया है। मदर टंग लोकल लैंग्वेज जिसे कह सकते हैं और रीजनल लैंग्वेज कह सकते हैं, एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन वेयर एवर फिजिबल अप टू क्लास 8। तो अप टू क्लास फाइव ये रहेगा, एंड एक्सटेंडिंग टू टिल ग्रेड 8 एंड बियॉन्ड, और 8 के बाद आगे वाले क्लासेस में भी इसको लिया जाएगा। तो चलिए देखते हैं इम्प्लीमेंटेशन किस प्रकार से होगा, क्या क्या चैलेंजेस रहेंगे। तो चैलेंजेस में सबसे पहला है कि अवेलेबिलिटी ऑफ स्किल्ड टीचर्स कैपेबल ऑफ टीचिंग इन मल्टीलिंगुअल सेटिंग्स। तो ये एक बड़ा चैलेंज है, क्योंकि हम देखते हैं कि जो स्कूल होते हैं तो स्कूल में कभी क्या होता है कि जैसे हमारा स्कूल है तो आसपास के जो लोग आते हैं एडमिशन लेने और स्टूडेंट्स के एडमिशन कराते हैं, वो जनरली लोकल नहीं होते, रीजनल नहीं होते, तो उनकी लैंग्वेजेस कुछ और होती है। यहाँ पे कुछ और लैंग्वेज वाले टीचर्स होते हैं, अगर लोकल टीचर्स है तो वो कुछ और लैंग्वेज जानते हैं। तो ये एक बड़ा चैलेंज है कि किस तरीके से अवेलेबल कराया जाए स्किल्ड टीचर्स को, स्पेशली मल्टीलिंगुअल अप्रोच के लिए। द क्रिएशन ऑफ हाई क्वालिटी मल्टीलिंगुअल टेक्स्ट बुक्स, और ये मल्टीलिंगुअल टेक्स्ट बुक्स भी प्रिपेयर करने होंगे तभी तो ये कंसेप्ट आगे बढ़ेगा। लिमिटेड टाइम अवेलेबल इन टू शिफ्ट गवर्नमेंट स्कूल, जहां पे गवर्नमेंट दो शिफ्ट में स्कूल चला रहे हैं वहां पे लिमिटेड टाइम है ये चीज करने के लिए। डिमांड्स एडिशनल इंस्ट्रक्शनल टाइम एलोकेशन, तो इसके लिए अलग टाइम एलोकेट करना पड़ेगा। तो ये कुछ चैलेंजेस थे, उसके लिए यहाँ पे क्या क्या स्टेप्स एमओई ने लिए हैं उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले एमओई ने कहा है कि कुछ आने वाले समय में नए टेक्स्ट बुक यहाँ पे प्रकाशित किए जाएंगे। तो ये नए टेक्स्ट बुक जो भी पब्लिश होंगे उसमें मल्टीलिंगुअल अप्रोच रहेगा। 22 शेड्यूल लैंग्वेज इसके लिए तैयार किए गए हैं, और इसको हाईएस्ट प्रायोरिटी इस टास्क को दिया गया है कि भाई जल्द से जल्द इसे कंप्लीट किया जाए और सभी स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल किया जाए, और मैक्सिमम नेक्स्ट सेशन से ये स्टार्ट भी हो जाए। तो ये स्टेप्स एमओई ने अभी लिए हैं और इसके ऊपर काम बहुत ही जोर शोर से चल रहा है। आगे बात करें तो हायर एजुकेशन में भी ये चीज इंप्लीमेंट की जाएगी। इसमें सबसे पहले टेक्स्ट बुक जो है वो कन्वर्ट किया जाएगा। तो टेक्स्ट बुक को यहाँ पे ट्रांसलेट करने के लिए ऑलरेडी एनसीईआरटी या तो जो भी बुक पब्लिश कर रहे हैं उन सभी ने यहाँ पे अपने गियर अप कर लिए हैं, और इंडियन लैंग्वेजेस के थ्रू अलग अलग टेक्स्ट बुक प्रिंट हो, प्रकाशित हो, उसके प्रयास में लगे हैं। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जो है वो इंडियन लैंग्वेज मीडियम्स में होना चाहिए, और इंग्लिश मीडियम में भी कुछ चीजें यहाँ पे रहेगी।
एग्जामिनेशन जो होगा वो भी कंडक्ट होगा, तो वो थ्रू इंडियन लैंग्वेजेस होगा, और बाकी के जो एडिशनल एस्पेक्ट जैसे है कुछ सब्जेक्ट्स है उसके भी टेक्स्ट बुक्स यहाँ पे मल्टीलिंगुअल अप्रोच से बनाए जाएंगे। उसमें टेक्निकल एजुकेशन हो गया, मेडिकल एजुकेशन हो गया, वोकेशनल एजुकेशन हो गया, स्किल एजुकेशन हो गया, लॉ एजुकेशन हो गया, ये सारे एजुकेशन के जो बुक्स है वो सारे अलग अलग मल्टीलिंगुअल अप्रोच से बनाए जाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं कि इंस्ट्रक्शंस इसके लिए क्या क्या फॉलो करने होंगे, किस तरीके से होगा। तो कंसीडर यूजिंग इंडियन लैंग्वेजेस, सबसे पहले इस पे भार दिया गया है कि इंडियन लैंग्वेजेस का यूज हो। एनुमरेटेड इन शेड्यूल 8 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है, फ्रॉम फाउंडेशन स्टेट टू सेकेंडरी स्टेट, तो प्री प्राइमरी से लेकर क्लास 12 तक इसको थोड़े थोड़े अंतराल के बाद या तो धीरे धीरे यहां पे लगाया जाएगा एज ऑप्शनल मीडियम विद एग्जिस्टिंग ऑप्शंस। और अभी जो ऑप्शन है उसके पास ऑप्शनल मीडियम में पहले स्टार्ट किया जाएगा, फिर इसको आगे बढ़ाया जाएगा। स्कूल कैन एक्सप्लोर, इसके लिए स्कूल को जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल है उसको एक्सप्लोर करना पड़ेगा, जो भी एक्सपर्ट्स हैं उनसे कंसल्ट करना पड़ेगा, और कोलाबोरेट विद अदर स्कूल्स टू शेयर बेस्ट प्रैक्टिस, और इसके लिए बेस्ट प्रैक्टिस क्या क्या हो सकती है उसके लिए भी यहाँ पे प्रयास करने पड़ेंगे। तो ये था ये सर्कुलर जिसके बारे में आपको बताया। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया है तो लाइक जरूर कीजिए और शेयर कीजिए सभी। तो आगे बात करेंगे किसी और नए सेशन में किसी और नई सर्कुलर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू।